अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बिटकॉइन इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है 66,565 डॉलर्स पे। मैंने आप लोगों को कल अपडेट दी थी कम्युनिटी के जरिए, मैंने अपने ग्रुप्स में, तो जो हमारा ग्रुप बना हुआ है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह रात को हमने 3 ट्रेड भी लगाई थी। एफटीएम पे ट्रेड ली, 4 टारगेट्स थे हिट किए। हाई पे ट्रेड ली, वहाँ पर 2 टारगेट्स थे हमने हिट किए, 1.95 से 2.0 तक का। उसके बाद हमने जीआरटी में ट्रेड ली, अल्हम्दुलिल्लाह हिट किया। बीटीसी के मुतालिक मैंने बताया कि 67,300 पे जाकर रिजेक्शन है, और एग्जैक्टली 67,334 से जाके मार्केट रिजेक्ट हुई और मार्केट इस टाइम पे नीचे आ चुकी है। अब बीटीसी में नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट मूव क्या होगा, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वाली जो हमारी रिजेक्शन है जिस रिजेक्शन पे मौजूद हैं ये एक मेजर रिजेक्शन है। क्योंकि इस पे भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ से मार्केट जब ऊपर से नीचे आई, यहाँ से जब वापस जा रही थी, इसी जगह से रिजेक्ट होके 66,000 से वापस रिजेक्ट होके हम फिर से 57,000 पे आ गए थे। यहाँ से मार्केट ऊपर वापस जा रही थी तो इधर से फिर रिजेक्शन मिली एक दिन के लिए। यहाँ पर हमें एक दिन के लिए रिजेक्शन फेस करनी पड़ी और अगले दिन मार्केट फिर पंप हुई, फ्राइडे का दिन था, और फिर हमने मार्केट को देखा डायरेक्टली 71,000 पे एक ही दिन की कैंडल में। इस मार्केट को 61,000 से 71,000 पे जाते हुए सिर्फ चंद एक दिन लगे थे। अगर यहाँ पर भी सिनेरियो आप देखते हैं तो आई थिंक सो के ये सेम सिनेरियो ही बन रहा है जो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर हमारी एक बुलिश कैंडल है, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये वाली हमारी कैंडल है। उसके बाद 1, 2, 3 और 4 ये हमारी 4 कैंडल्स हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास कैंडल है जो कि स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, 1, 2, 3, 4 ये पांचवी कैंडल बन रही है क्योंकि सैटरडे संडे आ चुका है। अगली कैंडल इसके ऊपर जब मार्केट इसके ऊपर क्लोज हुई है जाके यहाँ पर, तो रीटेस्ट किया है मार्केट ने इस लेवल को 66,000 को। उसके बाद मार्केट ने अगले दिन हमें दिखाया 71,000 का टारगेट। अब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। बाइंग पोजिशन थी हमारी 53,000 पे मार्केट थी, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि बाई कर लें। यहाँ पर बाइंग के टाइम है, बिल्कुल हम बॉटम पे पहुंच चुके हैं। उससे ज्यादा मजीद नीचे जाते तो 52,000 पे चले जाते, लेकिन हमारा बॉटम था जहां पे बाइंग करनी लाजमी थी। अब हम इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, हमारी ऊपर वाली साइड पे रिजेक्शन है, ये नीचे वाली साइड पे लाइन है, ये इस चैनल के अंदर बीटीसी ट्रेड कर रहा है, यहां से ऊपर वापस की तरफ जा रहा है। कंसोलिडेशन पीरियड है, ये वाला सारे का सारा कंसोलिडेशन पीरियड है जो कि पोस्ट हाल्विंग कंसोलिडेशन, ये जो आपको दिखाई दे रही है, और हर हाल्विंग के बाद ये होती है, कंसोलिडेट मार्केट जरूर करती है, उसके बाद मार्केट में पंप आता है। और जितनी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन, जितनी ज्यादा लंबी देर के लिए कंसोलिडेशन होगी, उतनी स्ट्रॉन्ग आपको बुल मार्केट दिखाई देती है और उतना ही स्ट्रॉन्ग आपको बुल रन दिखाई देता है, उतने ही हाइज की तरफ हम जाते हैं। सो यहाँ पर मार्केट का कल का जो लेवल था, कल की जो कैंडल थी वो हमारी क्लोज हुई है 66,705 पे। ये हमारा लेवल है जिससे यहाँ पे हमारा ऊपर डबल टॉप बना, इसी एरिया से वापस जाके इसी एरिया से हम रिजेक्ट होके नीचे आए। अगर हम इसे 1 आवर के कैंडल पे देखते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप लोगों को ग्रुप के मुतालिक मैं बता देता हूँ कि ग्रुप आप किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ग्रुप बिल्कुल लोएस्ट फी पे है, कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं होगा जिसमें इतनी कम फीस चार्ज की जा रही हो, ठीक है। प्रीमियम ग्रुप होगा, सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड मेंबर्स होंगे, 1 टाइम फी है, कोई मंथली फीस नहीं है, बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं मंथली फी चार्ज कर रहे हैं, जस्ट 1 टाइम फी हम चार्ज कर रहे हैं। अभी का ये जो ग्रुप है इसमें हम सिग्नल्स भी दे रहे हैं स्पॉट के लिए, डिफरेंट कॉइन्स के एनालिसिस भी, आपका कोई फेवरेट कॉइन है उसके मुतालिक आपको एनालिसिस चाहिए वो भी आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे, ट्रेडिंग करते हुए कोई मसाइल आ रहे हैं वो भी, मार्केट की जो करंट अपडेट्स होती हैं उसी टाइम पे, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे, तो वीडियो मैं भी लगा रहा हूँ, लेकिन जो भी मार्केट की सिचुएशन होगी, जो भी अपडेट हुआ करेगी, जाहिर सी बात है वो ग्रुप के अंदर मैं फौरन शेयर करूंगा जो भी ग्रुप में मेंबर्स मौजूद हैं। और रात से कल हमने ग्रुप बनाया, कल हमने ग्रुप एक्टिव किया है, और कल से लेके अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 20 मेंबर्स ने ग्रुप ज्वाइन भी कर लिया है, और उन सबको 4-4 ट्रेड्स भी मिल गई रात को ही। कल जो फीस उन्होंने पे की वो अल्हम्दुलिल्लाह वहां से फीस रिकवर भी होगी, आप लोगों के साथ मैं शेयर भी कर दूंगा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोज में। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे 03015447221, ऑटो रिप्लाई आपको मिल जाएगा जिसमें मेरी यूएसडीटी का एड्रेस या जैज कैश का अकाउंट, उसमें आपने फीस पे करनी होगी, 1 टाइम फीस होगी, कोई मंथली फीस नहीं है। मैं अगेन आपको बता रहा हूँ,
आप लोग ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन, मार्केट की अपडेट्स, आप लोगों के फेवरेट कॉइन्स, जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट की हुई होगी उसके मुतालिक, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उसके मुतालिक डिफरेंट कॉइन्स के एनालिसिस, वो आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। कहीं पे स्टक है उसको निकलना कैसे, उसमें से सारी की सारी चीजें आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला प्रीमियम हर चीज शेयर की जाएगी। तो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जस्ट व्हाट्सएप पे आपने मैसेज करना है 03015447221। यहाँ पर बीटीसी को 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में इस सपोर्ट को स्ट्रांगली बीटीसी ने होल्ड किया हुआ। ये जो सपोर्ट लाइन आपको दिखाई दे रही है, यहां से रिजेक्ट हुए, यहां से रिजेक्ट हुए, उसके बाद इस लाइन को हमने सपोर्ट बनाया 63,000 64,100 पे रिजेक्ट हुए, 64,500 पे रिजेक्ट हुए, फिर हमने इसको सपोर्ट बनाया, यहां से रिजेक्ट हुई, उसके बाद ब्रेकआउट करने के बाद जब हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया बीटीसी में जो इतना पंप आया, सबसे बड़ी बात ETFs, बीटीसी के जो ETFs हैं उनका इनफ्लो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। कल अगेन बाइंग हुई है, इनफ्लो आया है बीटीसी के जितने भी आपने ETFs देखे सबका। दूसरी चीज, कल जो साइबर अटैक का इशू बना है, इंटरनेट का इशू बना है, माइक्रोसॉफ्ट का इशू बना है, उसमें क्या हुआ, गोल्ड की प्राइस नीचे गई, स्टॉक्स की प्राइस नीचे गई, सब के सब स्टॉक्स की प्राइस नीचे गई है, गोल्ड की प्राइस नीचे गई है, हर चीज मार्केट पूरी क्रैश, वहां से सारा पैसा निकला बीटीसी में। सो अभी के लिए अगर आप देखते हैं तो बीटीसी की प्राइस इस टाइम पे स्टक हो चुकी है, बिल्कुल खामोश, और ये एक तूफान से पहले की खामोशी है। ये पहले भी एक दफा पोजिशन ऐसी बनी थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये तूफान से पहले की खामोशी है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 74 पे, ग्रीड में लालच आया हुआ है लोगों में। लिक्विडेशंस अगर देखते हैं तो लिक्विडेशंस यहां पे मार्केट में मौजूद हैं 18.40 बिलियन डॉलर्स की 72,418, 10.86 बिलियन डॉलर्स की 72,914, 7.83 बिलियन डॉलर्स की 73,207 पे। यहां से लेके 74,000 तक आपको ऑलमोस्ट 50 से 60 बिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन दिखाई दे रही है, जिन लोगों की यहां पर लिक्विडेशंस पड़ी हैं। ये कंप्लीट लिक्विडिटी है लोगों की जो यहां पर पड़ी हुई है, और मार्केट इस टाइम पे कहां पे खड़ी है, 67,600 पे, और गैप कितना रह गया, सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 हजार डॉलर की एक वीक का, और ये सब के सब लिक्विडेट हो जाएंगे। जैसे मार्केट नीचे आके 53,000 वालों की लिक्विडेशंस उठा के गई है, उसी तरह से अब बारी है 71,000 और 72,000 वालों, ठीक है। फिर उसके बाद पता चलेगा कि ये जो स्ट्रक्चर हमारा, ये यहां पर जो मौजूद है, ये जिस चैनल के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं, हम इस चैनल को ब्रेक करते हैं या नहीं करते। इस चैनल को अगर हैवी बुलिश मोमेंटम के साथ ब्रेक कर जाते हैं, अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर देते हैं, जैसे ETFs का इनफ्लो आ रहा है, ETFs ने 40,000 पे बाइंग की थी, यहां पे आके ऊपर सेलिंग की 70,000 पे, यहां से सेलिंग हुई, साथ आपको जर्मन गवर्नमेंट की सेलिंग दिखाई दी, बीटीसी के मार्केट वापस 63,000 पे आ गई, यहां पे आके दोबारा से बाइंग शुरू हो गई, और इसको होल्ड रखा जाएगा। इसकी बार पॉसिबल चांसेस हैं कि मार्केट थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट लेके ये जो हमारी ऊपर ट्रेंड लाइन बनी हुई है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे और न्यू ऑल टाइम हाईस की तरफ जाए, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। अभी 23 तारीख को ETF अप्रूवल, ETF की लॉन्चिंग है इथीरियम की जो ट्रेड करेंगे, 25 तारीख को XRP की क्लोज डोर मीटिंग है SEC के साथ, डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच है, उसमें पॉसिबल चांसेस हैं कि बीटीसी के मुतालिक वो कुछ बोलेगा, क्योंकि पहले भी उसने बोला कि मैं बीटीसी को सपोर्ट कर रहा हूं, हम चाइना को लीड करेंगे, USA बीटीसी का सबसे बड़ा सपोर्टर होगा, सारी हम इस पे वर्किंग करेंगे, वो सारी की सारी चीजें, मुझे वोट दें, सपोर्ट करें, मैं बीटीसी को सब कुछ रेगुलेट करवाऊंगा, हर चीज जो 3-4 दिन पहले उसने स्पीच में बोला। 25 तारीख, 23 तारीख, 31 तारीख को XRP की फिर जो कि SEC के साथ फाइनल को पेनल्टी वगैरह होगी, जो भी इश्यूज रिजॉल्व होंगे उनका जो आपस में टसल चली हुई खत्म हो जाएगी। तो ये मेजर इवेंट्स हैं 3-4 जो कि नेक्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेंगे, और होप्स हो कि नेक्स्ट वीक में भी मार्केट मजीद बुलिश होगी। CME गैप मौजूद है अभी भी 58,000 से लेकर 60,000 का CME गैप मार्केट में मौजूद है, किसी भी टाइम फिल हो सकता है, उस चीज के लिए हमेशा तैयार रहना है, किसी भी टाइम पे फिल हो सकता है, आज नहीं होगा कल हो जाएगा, 10 दिन बाद हो जाएगा, 15 दिन बाद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मार्केट जो है वो बिल्कुल स्लीप मोड में है, अभी मार्केट में कोई ट्रेड नहीं लेनी जब तक के कंफर्मेशन नहीं होती। पॉसिबली हम 66,000 को नीचे आके दोबारा टच कर सकते हैं, जहां पर ये रिजेक्शन थी, इसको टच करके रीटेस्ट करके यहां से वापस जा सकते हैं 15 मिनट्स में। हम देखते हैं कि 15 मिनट्स में क्या सूरत हाल है, 15 मिनट्स में देखें आप मार्केट कहां से कहां तक चल रही है,
सिर्फ और सिर्फ मार्केट आपको दिखाई दे रही है 66,480 से लेके 66,716 तक, 350 डॉलर में सिर्फ मार्केट यहां पर रेंजिंग पोजीशन में। और कितने घंटे हो चुके हैं इस चीज को, स्टिल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 घंटे से मार्केट स्टक है एक ही पोजीशन पे। तो अभी इस टाइम पे कोई भी ट्रेड नहीं लेगा, इसमें ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। जब इसमें नेक्स्ट हमें कोई सिनेरियो दिखाई देगा मार्केट में तो इंशाल्लाह ताला वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। मार्केट की करंट अपडेट्स के लिए जो हम रात को 11-12 बजे तक 1 बजे तक भी अपडेट शेयर करते रहते हैं, सुबह उठते साथ ही मार्केट को देखते हैं, अपडेट्स ग्रुप में शेयर करते हैं, उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। दो में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।